सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोरोहित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को ईजिली देख पाएंगे। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ नोकिया 6 2018 वेरिएंट के बारे में। तो नोकिया 6 2018 वेरिएंट को आज लॉन्च किया जाएगा चाइना के अंदर। तो आज मैं आप लोगों को नोकिया 6 का फुल स्पेस बताने वाला हूँ कि आपको नोकिया 6 में क्या क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ नोकिया 6 2017 वेरिएंट के बारे में, तो वो उतना पॉपुलर स्मार्टफोन नहीं रहा, क्योंकि उसमें आपको ओल्ड चिपसेट देखने को मिलता था, जो कि था स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट। लेकिन ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को नोकिया 6 के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको मिलेगा नोकिया 6 2018 के वेरिएंट में। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, तो पहले रूमर्स निकल के आ रही थी कि इसमें आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह फ़ोन आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आएगा। तो इस फ़ोन में आपको मिल जाएगा 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जो कि 1080p डिस्प्ले होने वाला है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ तो 2.2 GHz का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 630 चिपसेट के साथ आएगा। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 630 चिपसेट के साथ। ये दो वेरिएंट के साथ आएगा, एक आएगा 4 GB 32 GB और दूसरा आएगा 4 GB 64 GB। तो आपको जो पसंद, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें आपको सिंगल कैमरा का ही सेटअप मिलेगा बैक में भी। तो इसमें आपको मिलेगा 16 MP का रियर कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ, और फ्रंट में आपको मिल जाएगा 8 MP का फ्रंट कैमरा f2 अपर्चर के साथ। अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉयड नुगट मिलेगा, एटलीस्ट ऑडियो देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन बोला है कि आपको फ्यूचर में एंड्रॉयड ऑडियो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। 3000 mAh की बैटरी मिलेगी, तो एटलीस्ट बैटरी हमें लगभग ज़्यादा देती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है जहाँ तक पता लगी है। डुअल सिम फ़ोन होने वाला है और नॉर्मल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 4.2, 4G वोल्टेज, ये सब तो आपको देखने को मिल ही जाएंगी। और 6000 एल्युमिनियम के साथ बनाया गया है इस फ़ोन को, जिस तरह से आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है इस फ़ोन की। और अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन की प्राइस की, तो जो चाइना के हिसाब से जो प्राइस रखी गई है, जो कि होगी 4 GB 32 GB वाली, उसकी प्राइस लगभग आपको 14000 या फिर 13.5 हज़ार के आसपास हो सकती है। और जो 4 GB 64 GB होगी, उसकी प्राइस लगभग आपको 15000 के आसपास हो सकती है। तो देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस के साथ आता है। ये तो चाइना की प्राइस है, और इंडिया में कब लॉन्च करता है वो भी देखने वाली बात होगी। देखते हैं क्या होता है। और नोकिया अपने बहुत सारे स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाला है, तो उसका भी वेट करते हैं। और आज बहुत ठंड है, अभी मैं क्रिकेट खेल के आ रहा हूँ, मेरा हाथ भी बहुत दर्द दे रहा है, फिर भी से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आप रेडमी नोट 5 लेंगे या फिर नोकिया 6। अगर दोनों एक साथ इंडिया के मार्केट में आता है, पकड़ लीजिए मई या फिर जून में, तब कौन सा स्मार्टफोन कंसिडर करेंगे, ब्रांड देख के करेंगे या फिर वैल्यू देख के करेंगे। वैल्यू फॉर मनी तो आप लोगों को पता है कि Xiaomi Redmi Note 5 होने वाला है। और जो Xiaomi Redmi Note 5 होने वाला है, उसकी प्राइस लगभग 15700 के आसपास होगी। और अगर वही प्राइस में नोकिया भी अगर लॉन्च करता है, तो आप कौन सा फ़ोन कंसिडर कीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं बात करूँ मेरी अपनी खुद की, तो मैं Xiaomi Redmi Note 5 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो का तो फ़ोन आएगा। उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 632 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 630 से थोड़ा अच्छा ही होने वाला है इंप्रूवमेंट। तो आप मुझे बताएगा कि आप कौन सा कंसिडर करेंगे, और रीज़न भी मतलब रीज़न भी बोलिएगा कि आप क्यों इस डिवाइस को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो बोल दिया मैं Redmi Note 5 को कंसिडर करूँगा, और आप बताएगा कि आप कौन कंसिडर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी पहुँच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।